सारा देश जहां कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी की चपेट में है, ऐसे में मेवात प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि आज हमारी टीम जो है तहकीकात करने, ग्राउंड रिपोर्ट लेने पिनौआ शहर पहुंची। यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के जवान बिल्कुल तैनात नजर आ रहे हैं और सख्त दिशा निर्देश। सारे देश में लॉकडाउन है, लॉकडाउन पर जो है कुछ गांव की सीमाओं को संपूर्ण तरीके से सील कर दिया है, जहाँ जगह जगह नाकेबंदी की गई है। हालांकि जो पेट्रोलिंग पार्टी है बार बार नाकों की जो है चेकिंग चल रही है। पिनौआ की ये तस्वीरें आप लाइव में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के जवान जो है चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रहे हैं। नाका जो लगा रखा है खानपुर गाँव में एक पॉजिटिव मामले से जहाँ पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हालांकि अभी जो है पीड़ित का इलाज चल रहा है, ऐसे में पिनौआ पुलिस की बात करें तो सक्रिय कर दिया गया है। वही मेवात पुलिस कप्तान श्री नरेंद्र सिंह बिजारने लगातार जो है जिले पर नजर बनाए हुए हैं। जिला उपायुक्त महोदय लगातार जो है नाकों की चेकिंग पे हैं और पूर्ण तरीके से मेवात पुलिस प्रशासन संपूर्ण तरीके से इस दौर में यानी कि इस दुखी घड़ी में रोड पर है। सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कृपया कर कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए लोग अपने घरों में रहे, लॉकडाउन का संपूर्ण तरीके से पालन करें, लोग कतई घर से नहीं निकले। ऐसे में पुलिस द्वारा कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही। पिनौआ थाना अंतर्गत जो गांव में नाके लगाए गए हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट लेने अकबरपुर गांव में पहुंचे। यहां पर मैं आपको बता दूं थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रतनलाल द्वारा पूर्ण तरीके से जो है लॉकडाउन का लोगों से पालन कराया जा रहा है। पुलिस के जवान के साथ साथ में ग्राम पंचायत पूर्ण तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। सबसे अच्छी बात यहाँ देखने को मिली तो ग्रामीणों ने किस तरीके से जो है पूर्ण तरीके से अकबरपुर गांव की नाकेबंदी कर रखी। यहां पर जो यानी कि लोग आ रहे हैं बिल्कुल गुजरने नहीं दिया जा रहा है। यहां तक जो सख्त दिशा निर्देश ये भी दिया जा रहा है कृपया कर लॉकडाउन के बावजूद भी कुछ लोग जो नहीं मान रहे हैं अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। गांव ग्राम पंचायत आपके लिए पूर्ण प्रयास कर रही है, पुलिस प्रशासन संपूर्ण तरीके से रोड पर है। खुद मेवात के एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया, डीसी पंकज कुमार यानी कि पूर्ण तरीके से रोड पर उतरे हुए हैं। कोरोना जैसी घातक बीमारी से आज केवल डिस्टेंस बनाना ही एक बचाव है, लोगों से बार बार डिस्टेंस बनाने की अपील की जा रही है। नाका इंचार्ज है अकबरपुर गाँव में जो लगाया हुआ है वो हमसे बातचीत करेंगे। आखिरकार सर किस तरीके से यहाँ जो लॉकडाउन चल रहा है संपूर्ण देश में, कोरोना जैसी घातक बीमारी से क्या निर्देश दिए जा रहे हैं लोगों को? अब ये भारत सरकार द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया उसमें सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ना उसको पुलिस कर्मचारी बखूबी निभा रहे हैं। अब यहाँ गांव में जो गांव सील किए गए हैं उसके लिए गांव में बाहर के लोगों का जो आगमन हो रहा है उसको रोकने का पूरा प्रयास हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो कोरोना की जो एक कड़ी है उसको तोड़ा जाए, इसी उस प्रयास में हम जी जान से लगे हुए हैं, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे जो अफसर हैं बार बार हमें यहाँ दिशा निर्देश दे के जाते हैं, आते हैं और बढ़िया अपने तरीके से काम करते हैं। अकबरपुर गाँव में ग्राम पंचायत अकबरपुर में कितने नाके लगाए गए हैं? हमारे यहाँ से 3 नाके लगाए गए हैं। मैन नाका था ये अकबरपुर का मेन रोड पे है, बाकी और अंदर भी है। तो लगता है लोग लॉकडाउन का पूर्ण तरीके से पालन कर रहे हैं? हाँ सर, लगभग 90% तो पूरा लग रहा है कि लोगों को कुछ समझ भी आ रही है और अपने कुछ तरीके भी ऐसे अख्तियार कर रहे हैं। कोई ज़रूरी काम है तभी कोई लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं, नहीं तो अपने पूरी तरह निभा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है पूर्ण तरीके से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचाव के लिए जो है जो सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लोग अपने घरों में रहें, कृपया कर पुलिस आपके लिए रोड पर है और डॉक्टर आपके लिए रोड पर है, कृपया कर अपने घरों से नहीं निकलें, सुरक्षित रहें, बाकी डिस्टेंस बनाने की बार बार मेवात पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है। अगली अपडेट के साथ फिर हम अगले नाके पर मिलेंगे, आखिरकार किसी और ग्राम पंचायत में किस तरीके से पिनौआ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायतों को सील किया गया है। कंटेनमेंट जोन बना रखा है, हमारे पास आया है सरकारी तरफ से, हमारे सीनियर अधिकारियों की तरफ से, उसमें पिनौआ, अकबरपुर, पापड़ी, गंगवानी और खानपुर घाटी, रीठड़, रेगड़ का बांस, ये गाँव हैं हमारे। इसमें सब में हमने इनके जितने नाके अवेलेबल में आने जाने के रास्ते थे उनमें हमने पुलिस अपने कर्मचारी लगा रखे हैं नाकों के लिए, और जिनका भी जरूरत होती है जिस हिसाब से हमारे पास रिपोर्ट आती है उनका लाकर हॉस्पिटल में मेडिकल वगैरह कराया जाता है जी। पिनौआ में कितने नाके लगाए हैं सर? सर पिनौआ में इस वक्त हमारे 5 नाके लग रहे हैं जी।
पिनुंगा पुलिस के अलावा और स्टाफ कहाँ से अवेलेबल हुआ, कितने जवानों को बुलाया गया है इसके लिए? सर, पिनुंगा पुलिस के अलावा हमारे पास लाइन से हमारे साहब ने फोर्स भेजी हुई है, जो बाहर गांव में नाके लग रहे हैं तो हमारे साहब ने फोर्स भेजी हुई है। कब तक रहेगा सर ये नाकेबंदी यहाँ पे? नाकाबंदी तो सर अगले जो आदेश आएंगे तब तक रहेगा, जब तक अफसर चाहेंगे और ये स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक जो भी ऊपर से आदेश आएगा वैसे फॉलो करेंगे। किस तरह लोगों का सहयोग मिल रहा है सर यहाँ? लोगों का सहयोग ठीक मिल रहा है, और जिन लोगों सहयोग नहीं दे रहे हैं उनको समझा।